अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप लोगों के साथ ज़ारा शेब भट्टी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेबी बास्केट, वो भी पैम्पर्स की। ये देखें, हमने इस तरह से पैम्पर्स की बास्केट बनाई है, बहुत खूबसूरत। चलें अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने पैम्पर्स ले लिए, एक पैम्पर एक एक उठाते जाएंगे। ये देखें, इसके आगे वाली फ्रंट वाली साइड हम इस तरह से गोल गोल करेंगे और इसके ऊपर हम रबड़ बैंड लगाएंगे। देखिए, इस तरह गोल होना चाहिए, बंद वाली साइड हमारे एंड में आनी चाहिए। ये रबड़ बैंड है कुछ हमारे पास, इस तरह हम रबड़ बैंड लगाएंगे। इस तरह हम तमाम पैम्पर्स को यूं फोल्ड कर लेंगे। तकरीबन 50 पैम्पर्स लग सकते हैं हमारे इसके अंदर, तो आप अंदाजन 50 पैम्पर्स ले लीजिएगा। किसी का बॉक्स बड़ा होगा तो उसके ज़्यादा पैम्पर्स लग सकते हैं, जिसके छोटे होंगे तो उसके 45 भी लग सकते हैं। सर, मैं तमाम पैम्पर्स को ऐसे करती हूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और फिर मैं आपको सारे ये करके इस तरह दिखाती हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए, आप ये बंद वाली साइड हमने बाद में रखी है। देखें, ये बंद वाली साइड अलग से रख के और फिर इस पर रबड़ बैंड लगाना है एक एक। अब इसमें हम नेट लगाएंगे। ये हमने सब कुछ बना लिया, ये हमने नेट ले ली। नेट हमने देखें कितनी फैंसी नेट ली, कितनी खूबसूरत। ये इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर गोटा हो, ये लाइनिंग्स वाली कितनी प्यारी नेट है। अब इस पर हम एक एक फोल्ड करेंगे छोटे छोटे पीसीस काट के। ये मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत नेट है लाइनिंग्स वाली। ख्याल रखना है कि लाइनिंग्स हमारी सीधी आएँ। अब ये एक एक को हम इसमें फोल्ड करेंगे और इस पर रिबन बांधेंगे हम येलो ही कलर की। हमने इसमें येलो कलर इस्तेमाल किया है। अगर आपको डार्क कलर इस्तेमाल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। दरअसल बेबी बास्केट में हम लाइट कलर्स ही यूज़ करते हैं। अब इस तरह हम इस पर रिबन बांध देंगे और इसके साइडों में हम रबड़ बैंड लगा देंगे और इस तरह इसको टॉफी सी बना लेंगे, प्यारी सी। अब हम तमाम पैम्पर्स को इसी तरीके से बांधेंगे। देखें, प्यारी सी इसकी हमने इस तरह गिरह लगा ली। साइडों से हम इसको रबड़ बैंड से कवर कर देंगे, ये वाली चीज़ को। इस तरह हम तमाम बना लेंगे। हमने ये 50 पैम्पर्स लिए हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा आपके इसमें कितने पैम्पर्स लगेंगे। हमने दरअसल बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, हम इसमें बेबी प्राम बना रहे हैं। नीचे हम टायर भी लगाएंगे, बहुत खूबसूरत। इंशाल्लाह आप लोग बनाना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, आराम आराम से ठहर ठहर के, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मैं आपको इतनी तफसील से इसलिए बताती हूँ क्योंकि टैलेंट बांटने से बढ़ता है और छुपाने से घटता है। ये हमने एक बॉक्स ले लिया और ये दूसरा बॉक्स ले लिया। ये छोटा है, इसके अंदर ऐसे आ जाएगा और ये बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। देखें किस तरीके से, ये हमने बड़ा बॉक्स लिया और ये छोटा। हमने थोड़ा पतला लिया है क्योंकि वो बाद में फिर चौड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमने पतला थोड़ा बॉक्स लिया है। और हम हार्ड लेंगे, जो भी हम गत्ता ले रहे हैं उसमें हार्ड लेंगे। कलर हमने इसमें पिंक यूज़ किया है, पैम्पर्स में हमने येलो यूज़ कर लिया, तो पिंक और येलो का बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट होगा। पूरे पे हम ग्लो की मदद से ये लगा लेंगे। ये देखें, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ग्लू से हमने इसको पूरा अंदर से कवर कर लिया और इसके ऊपर पूरा कपड़े से लगा दिया। साइडों वाली दीवारों पे हमने नहीं लगाया। साइडों की जो दीवारें हैं ये हमने सारी, ये जो बॉक्स की, ये हमने खाली छोड़ दी क्योंकि ये सब चीज़ें पैम्पर से कवर होंगी। ये देखें, ये सब साइडें हमारी पैम्पर से कवर होंगी, जो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं वो। अब इनके साइड में हम पैम्पर लगाना सिखाते हैं। ये देखें, इस तरह हमने इसके साइड्स में पैम्पर लगाए हैं। ये सारे हमने पूरी कंप्लीट कर लिए पैम्पर्स लगा के, पूरी वही जो हमने टॉफियाँ बनाई थी पैम्पर्स की, वो सारी हमने इस तरह लगा ली हैं। देखें, देखने से कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, ऐसे लग रहा है हमने साइड में वाकई ही इसमें कैंडीज ही लगाई हुई हैं। ये हमने बैक भी इसका पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको और ही दिलकश और ख़ूबसूरत बनाएंगे। ये देखें, अभी इसमें हमने टायर अटैच नहीं किए क्योंकि टायर लगा देंगे तो हमें खुद ही बाद में मसला होगा। अब इसमें हम फ्लावर्स दिखाते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत हमने ऑफ वाइट कलर का इसमें फ्लावर लिया है। इसमें फॉर्मिक का फ्लावर भी हमने लगाया है और पर्ल्स का भी इस्तेमाल किया है। ये हम इसके साइडों में लगाएंगे, ये हम इसमें रिबिन में ही अटका के एक दफ़ा देखते हैं कि ये लग कैसा रहा है, आपको भी दिखाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे देखनी है वीडियो, हम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ सिखाएं।
ये देखें, ये हम दूसरा है दूसरी साइड पे लगाएंगे, इसको हम पलट लेते हैं। ये देखें इस साइड पे लगाएंगे, ये प्राम है ना, बेबी प्राम, तो हम प्राम में ऐसे लगाएंगे। देखें आप लोगों के कोई भी बेबी को आप इस तरह गिफ्ट दें। ये देखें हम इसमें गोल्डन वो लगा रहे हैं रिबिन, और उसके साथ हमने रेड रिबिन ली है जिसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं, ताकि बेबी बेबी थोड़ा सा लुक आए। ये दोनों लाइट कलर्स हो गए थे, तो हमने इसको थोड़ा सा डार्क कलर्स देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा रेड का कंट्रास्ट दिया है। ये मैं गन स्टिक से लगा रही हूँ, ये रेड और थोड़ा सा इसमें गोल्डन का टच आ जाएगा। ज़्यादा हम इसमें टच नहीं देंगे, बस हम ये एक पट्टी इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे और मजबूत हो जाएं, ये पैम्पर्स यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये हम पूरी लगाएंगे और इसके हम ऊपर वाली साइड भी इसी तरीके से कवर करेंगे। इस बास्केट में आप लोग बेबीज़ का सामान डाल के ले सकते हैं, जैसे बेबी फीडर हो गई, बीकर हो गया, और ऑयल लोशन पाउडर ये वाली चीज़ें हो गई, या बेबी का सूट हो गया, जो भी इसके अंदर आप डालकर एक बेयर रख लें, एक बेबी बेयर भी कोई रख लें इसमें, और वो आप गिफ्ट दे सकते हैं। ये हम इसको अब कंप्लीट कर रहे हैं, इसके हम पूरी गन स्टिक से हम लगाएंगे, और ध्यान रहे कि ये गन स्टिक पैम्पर्स पे नहीं जानी चाहिए, फिर तो हमारे इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे ना। अभी तो हम इस्तेमाल करेंगे, ये पैम्पर निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेबल हैं, ये ख़राब नहीं हुए हैं, तो हमने ख़राब ना होने की वजह से इस पर गन स्टिक इसलिए नहीं लगाएंगे, वरना लगा लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ जो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि वो दोबारा यूज़ हो सके, इसलिए हम इसको ख़राब नहीं करेंगे। हमने इस तरह पूरा कंप्लीट कर लिया है, रिबिन लगा ली है। अब इसके जोड़ पर हम येलो कलर का एक फ्लावर लगाएंगे। ये देखें, ये तो नीचे वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया है, अभी हम इसके साइड वाले ये भी लगा लेंगे इसमें फ्लावर्स। ये हम इसके यहाँ पर इसकी अटकाएंगे, इसकी जो रिबिन है अंदर वाली उसमें। हम ग्लू अगर ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बार बार मैं बता रही हूँ कि पैम्पर्स ख़राब हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी यूज़ नहीं कीजिएगा इसमें ग्लू। और अंदर अभी हम बिस्तर भी करेंगे, यानी कि हम थोड़े से फोम पर और रेड कलर का कपड़ा लगाकर अंदर वाला भी अभी हिस्सा हम कवर करेंगे, क्योंकि डब्बे की जो है लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इतना नीचे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको अंदर से कवर भी करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें इस तरह, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाजमी बताइएगा। देखिए हमने इसमें लाइट सा स्काई कलर का है, हम इसमें फ्लावर्स यूज़ करेंगे साइड्स पर इसके। चलें ये देखें, ये हमने इसमें टायर्स भी लगा लिए हैं, अब आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें हमने टायर्स भी लगा लिए हैं, अब आप लोग बताएं कैसा लग रहा है कमेंट करके। फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।